हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे मेगा स्पोरेंजियम, मतलब जिसे हिंदी में कहते हैं गुरु बीजाणुधानी, और इसका दूसरा नाम होता है ओव्यूल। ओव्यूल बोले तो बच्चों बीजांड, आप जानते हैं कि जो ओवरी के अंदर पाया जाता है ओवेरियन कैविटी में। देखिए, एक हम मटर बना रहे हैं और ये मटर का जो है एक तरफ की फली हो गई। आप जानते हैं कि मटर को जैसे हम फाड़ते हैं तो मटर जो है दो भागों में विभक्त होती है। तो बेटा ये प्लेसेंटा है, क्योंकि ये मटर की ओवरी है और ओवरी ही फल में बदलती है। तो जो मटर की फली होती है ना, वही उसका क्या है, फल है। और ओवरी के अंदर ये प्लेसेंटा, चारों तरफ से बेटा आंवल लगा हुआ होता है जैसे हम लोग अपनी माँ के गर्भ में। और ये देखिए, इस समय हम आपको बना रहे हैं मटर के दाने जो अभी अपरिपक्व हैं, मतलब इन्हीं को हम लोग ओव्यूल कहते हैं। तो देखो बेटा, आपको पहले भी बताए थे कि एक ओवरी में एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल हो सकते हैं। तो बेटा जैसे गेहूं वगैरह में एक ही होता है, मटर वगैरह में बहुत होते हैं, तो ये ओव्यूल हो गया। ओव्यूल बेटा इसके बगल ये देखो प्लेसेंटा हो गया जिसमें ओव्यूल लगा है। और अब हम देखेंगे कि जिसके द्वारा लगा है, देखो बेटा एक छोटी सी ढिपुनी टाइप की है जो लटक रही है, जिसे फ्यूनिकल कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्यूनिकल, स्टाक ऑफ ओव्यूल कॉल्ड फ्यूनिकल। अब बेटा ये बीच में जो बचा बची उसे ओवेरियन कैविटी, ओवेरियन कैविटी को ही क्या कहा जाता है बच्चों, लोक्यूल कहा जाता है। अब हम जो है इतना देख चुके हैं, अब थोड़ा सा और आगे देखेंगे कि बेटा कैसे जो है एक ओव्यूल पूरी तरीके से मैच्योर होता है, कहाँ से निकलता है ओव्यूल। तो ओव्यूल इज स्मॉल स्ट्रक्चर, ओव्यूल क्या होता है बच्चों, एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, एराइजेज फ्रॉम प्लेसेंटा, या आप कह सकते हैं कि अटैच्ड विद प्लेसेंटा, मतलब आंवल से क्या है लगा हुआ होता है। किसके द्वारा लगा हुआ होता है बच्चों, फ्यूनिकल के द्वारा। तो देखिए, अटैच्ड विद प्लेसेंटा बाय मींस अ स्टाल्क कॉल्ड फ्यूनिकल। यही बेटा जो इसे आम में ढिपुनी लगी रहती है, आम जिससे लटकता रहता है, तो ये फ्यूनिकल है बेटा। तो अब हम देखेंगे कि ओव्यूल एक स्मॉल स्ट्रक्चर है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। किससे अटैच होता है, प्लेसेंटा से, या कहिए प्लेसेंटा से एराइज होता है, प्लेसेंटा से उत्पन्न होता है न। किसके द्वारा होता है बेटा, एक हमारे पास स्टाल्क होता है न, जिसे हम फ्यूनिकल कहते हैं। तो बच्चों ये हम लोगों ने ओव्यूल के बारे में अभी देखा। अब ये देखेंगे कि ओव्यूल में जहाँ फ्यूनिकल अटैच होता है, जिस क्षेत्र में अटैच होता है, ये देखिए जैसे ये ओव्यूल हुआ, ओव्यूल में ये क्या है, फ्यूनिकल लगा है। अब फ्यूनिकल देखेंगे जहाँ पे अटैच है, ये देखिए ओव्यूल से, ये तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे बेटा बहुत से बच्चे जानते होंगे, इसे हाइलम कहा जाता है। हाइलम बोले तो एक रीजन है, कहाँ ओव्यूल में एक क्षेत्र है जहाँ पर फ्यूनिकल किससे अटैच्ड होता है बेटा, ओव्यूल से अटैच्ड होता है, हाइलम। देखिए जैसे हमारे हाथ में यहाँ पे इसी ढिपनी लगी रहती है, ये ओव्यूल हो गया, जहाँ पे अटैच है वही हाइलम। आप देखेंगे मटर में चना में तो जहाँ अटैच होता है वहाँ पे थोड़े सा निशान बना रहता है बेटा, तो उसे हाइलम कहते हैं। अब हाइलम क्या होता है, जंक्शन रिप्रेजेंट करता है, मतलब दोनों का संधि है, फ्यूनिकल का और ओव्यूल का।
द बॉडी ऑफ ओव्यूल, देखिए दिख रहा है इमेज में, ओव्यूल अटैच्ड विद फ्यूनिकल, जहाँ पर फ्यूनिकल बेटा ओव्यूल से अटैच रहता है, इन द रीजन मतलब वह क्षेत्र कहलाता है कॉल्ड हाइलम। हाइलम को बच्चों बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा कि बॉडी ऑफ ओव्यूल अटैच्ड विद फ्यूनिकल इन द रीजन, किस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में, ऐसे क्वेश्चन बनेगा बेटा, जिस क्षेत्र में अटैच रहता है उसे हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। तो अब देखेंगे कि जब हाइलम बोले तो हाइलम को यही कहेंगे जंक्शन बेटा। हाइलम रिप्रेजेंट्स द जंक्शन बिटवीन, हाइलम रिप्रेजेंट्स द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, या बेटा फ्यूनिकल एंड ओव्यूल। ये भी बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे। अगर आप क्वेश्चन निकालना सीखे, देखो फ्यूनिकल एंड क्या है ओव्यूल, जिस क्षेत्र में आपस में जुड़े रहते हैं उसे हाइलम कहा जाता है बच्चों। तो जिनको ये स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लें। देखिए अब हम इसको हटाते हैं और जो है बेटा नेक्स्ट में चलेंगे। बच्चों पूरा वीडियो ज़रूर देखा करिए जो है, अगर एक बार में नहीं देख पाते तो कई बार देखिए, उससे कंसेप्ट क्लियर होगा। सिर्फ आपको NCERT पढ़नी है और उसी से आपका सिलेक्शन होगा। NCERT तो 100% तैयार होनी चाहिए और साथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके MCQs करिए बेटा, और हमको सपोर्ट करिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन हो और हम बहुत ही अच्छे तरीके से और वीडियो आपको NCERT के 100% दे सके। अब बेटा चलिए बच्चों, तो अब हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखेंगे कि ओव्यूल कैसे बनता है। ये हमारे पास हो गया था क्या, एम्ब्रियो सैक, उसके बाहर बेटा न्यूक्लियस की लेयर हो गई थी। तो चलिए बच्चा देखिए, ये हमारे पास ओव्यूल बन के तैयार है और ये इसका हम स्टाल्क बना रहे हैं। याद रखिएगा कि ओव्यूल को ही हम लोग क्या कहते हैं, मेगा स्पोरेंजियम। तो बेटा जिससे ये देखो लटका रहता है इसी को हम कहते हैं फ्यूनिकल। फ्यूनिकल मतलब जिस क्या है वृंत से ओव्यूल प्लेसेंटा में चिपका रहता है ना, इसे हम फ्यूनिकल कहते हैं। और देखो बेटा जिस क्षेत्र में, जिस रीजन में फ्यूनिकल चिपकता है उसे हम लोग हाइलम कहते हैं। तो ये बच्चा हो गया हाइलम, मतलब वही जो बात हो रही थी, हाइलम रिप्रेजेंट्स द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। ये बेटा देखिए हमारे पास क्या हो गया, जो जगह खाली है माइक्रोपाइल मतलब जनन छिद्र, इसी जनन छिद्र से पॉलन ट्यूब क्या है अंदर जाएगा। तो आइए अब हम लोग देख चुके फ्यूनिकल हाइलम माइक्रोपाइल, और ये जो हमारे पास बेटा छोर हुआ माइक्रोपाइल की तरफ ही जो छोर होता है उसे माइक्रोपाइलर पोल कहते हैं। माइक्रोपाइलर पोल मतलब जिधर माइक्रोपाइल है बेटा। ये देखिए बाहर दो कवरिंग है, ओव्यूल इज क्या होता है प्रोटेक्टेड बाय टू इंटेगुमेंट्स, दो आवरण से, जिसे ये देखिए आउटर इंटेगुमेंट है। हाँ बेटा ये आउटर इंटेगुमेंट, ये वाला बेटा इनर इंटेगुमेंट मतलब आंतरिक आवरण, आउटर इंटेगुमेंट मतलब बाहरी आवरण या स्तर कवरिंग जिसे हम कहते हैं। ये इंटेगुमेंट्स प्रोटेक्शन का काम करता है, ये पूरे के पूरे ओव्यूल में चारों तरफ बच्चों फैला रहता है माइक्रोपाइल को छोड़कर। ये बेटा न्यूक्लियस हो गया जिसे हम हिंदी में बीजांड काय कहते हैं। अब इसी बीजांड काय में
बेटा क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है, खाद्य पदार्थ बहुत ज़्यादा भरा हुआ होता है, क्योंकि इसी से एक जो है बेटा हमारे पास मेगा स्पोर मदर सेल का विकास होगा और मेगा स्पोर मदर सेल फिर 4 मेगा स्पोर को बनाएगी। देखिए बेटा न्यूसीलस में रिजर्व फूड क्या है, मटेरियल है, रिजर्व फूड मटेरियल मतलब बच्चों खाद्य पदार्थ से परिपूर्ण होती है, ठूस ठूस के भरा होता है भोजन, जो कि मेगा स्पोर मदर सेल को भोजन देगी। ये है बेटा हमारे पास इम्ब्रियोसैक। इम्ब्रियोसैक बोले तो जिसे हम लोग कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, मतलब इम्ब्रियोसैक को बच्चों हिंदी में कहते हैं भ्रूण कोश और फीमेल गैमेटोफाइट को मादा युग्मकोद्भिद। वो आपको इसी से पूछेंगे कि मादा युग्मकोद्भिद किसके समान होता है, तो मादा युग्मकोद्भिद बेटा इम्ब्रियोसैक के समान होता है भ्रूण कोश के। अब देखिए बेटा थोड़ा सा जैसे हमने देखा है माइक्रोपाइलट पोल, उसके अपोजिट हम क्या करें देखेंगे चलाजल। अब हम इसको अगर घुमा दें तो देखिए एक एनाट्रोपस ओव्यूल है, तो बेटा ये स्ट्रक्चर किसका है, एनाट्रोपस ओव्यूल का। एनाट्रोपस मतलब जिसमें माइक्रोपाइल क्या होता है नीचे, लेकिन आपको ये ऊपर दिख रहा होगा क्योंकि देखिए हम देखते हैं कि मटर में चीज़ें क्या है, मटर ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ लटकी हुई होती है बेटा। तो एनसीईआरटी में ऐसे ही दिया है, आप याद रखिएगा कि एनाट्रोपस ओव्यूल उसे कहते हैं जिसमें माइक्रोपाइल घूम करके आता है ना, ऐसे बेटा घूम करके उल्टा आएगा नीचे से, जब पोलन ट्यूब घुसता है तो उसे हम क्या कहते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल कहा जाता है। ओव्यूल ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, एम्फीट्रोपस होता है। अब बेटा थोड़ा सा और बात करते हैं कि यही जो लिखे हैं यही लिख के दिखाएंगे कि एच ओव्यूल हैज वन आर टू प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव मतलब बेटा सुरक्षा प्रदान करने वाली ना लेयर, क्या भैया वन और क्या है टू प्रोटेक्टिव लेयर। तो आपसे ये बच्चों पूछा जाएगा कि एक ओव्यूल में कितनी लेयर होती है, एक हो सकती है या एक से ज़्यादा होगी तो दो होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं लेयर को, कॉल्ड इंटेगूमेंट कहा जाता है। तो जैसे देखिए इमेज में आउटर इंटेगूमेंट और भैया इनर इंटेगूमेंट है। प्रोटेक्टिव इसका नेचर कैसा होता है, इंटेगूमेंट प्रोटेक्टिव होता है मतलब रक्षात्मक है, रक्षा प्रदान करता है, ओव्यूल को रक्षा देता है। तो बाहर वाली ये देखो होगी हमारे पास और अंदर वाली, तो इंटेगूमेंट हर जगह है, लेकिन देखो बेटा माइक्रोपाइल में छोड़ करके। चलिए बच्चों अब हम और देखते हैं, थोड़ा सा हम इसको हटाते हैं, जगह चाहिए क्योंकि अब यहीं पे हम चलाजा लिखेंगे। चलाजा मतलब निभागी छोर, जैसे माइक्रोपाइलट पोल लिखे हैं वैसे वो भी लिखेंगे। इंटेगूमेंट्स इन सर्कल द ओव्यूल मतलब पूरे सर्किल में इंटेगूमेंट होता है एक्सेप्ट कहाँ पे, माइक्रोपाइलर ने माइक्रोपाइल को छोड़ करके, क्यों, क्योंकि उसी माइक्रोपाइल से बेटा क्या जाएगा पोलन ट्यूब, अगर वहाँ पे इंटेगूमेंट पा आता तो भैया फिर कहाँ से उसमें क्या है पोलन ट्यूब जाता, मेल गैमेट कैसे रिलीज होता। तो बेटा देखो माइक्रोपाइलर पोल हम देखें तो नीचे का जो हमारे पास बेसल पार्ट है, आधार जो बनाता है उसे हम चलाजा कहते हैं। तो बेटा ये हमारे पास होगा चलाजा, चलाजा बोले तो बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल जो कि ओव्यूल का आधार बनाता है। आप ये भी जरूर याद रखिएगा, पुरानी किताबों में बेटा उल्टा देते हैं एनसीईआरटी, ये सही बताइए एनाट्रोपस है तभी नीचे के ही वाले को हम लोग बेस कहते हैं,
तो बेटा बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल किसे कहते हैं महाराज? बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल चलाजा को कहते हैं। तो बेटा ये कंप्लीट आपके पास जो है ओव्यूल का स्ट्रक्चर ना, उसका पूरा का पूरा जो है नोमेनक्लेचर, उसके पूरे टर्म्स ना डिटेल स्टडी हो गई है। आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना चाहें लिख लीजिए, बना के प्रैक्टिस ज़रूर करिए, क्योंकि बोर्ड में भी आता है आपके, चाहे CBSE हो, UP हो, चाहे ICSE हो ना, कि उसमें आता है क्या बेटा, ड्रॉ द ओव्यूल स्ट्रक्चर, तो उसमें आपको करना ही करना रहेगा। और नीट के लिए तो ये रामबाण है बेटा, क्योंकि अब इसी के अंदर हम लोग देखेंगे कैसे बनता है एम्ब्रियो सैक, जिसे हम लोग बेटा भ्रूणकोश कहते हैं। मैच्योर एम्ब्रियो सैक कैसे बनेगा? तो बच्चों आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। जब आप बताते हैं तो सर हमको मोटिवेशन आता है, हमको भी जो है बेटा एक अच्छी एनर्जी मिलती है ना, कि बच्चे हमारी वीडियो को लाइक कर रहे हैं और हम भी, हमको अच्छी अच्छी वीडियो बनानी चाहिए। तो बेटा 100% NCERT पढ़िए, NCERT के सिवा कुछ पढ़ना नहीं है, ज़्यादा इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए। आपको बोर्ड देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ इधर करने की ज़रूरत नहीं है ना, आपको मैम का जो है नहीं देखने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने NCERT करिए, फोकस करिए, फिर बेटा आप सेलेक्ट हो जाइए। तो बच्चों फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, खूब NCERT पढ़िए, वंदे मातरम।